साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष का जो पेपर है जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, उसके द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन विद्यार्थियों का यदि बायोलॉजी विषय है और बायोलॉजी विषय में आप लोगों ने जंतु विज्ञान को अपने मेजर विषय के रूप में चुना है, तो मेजर का सेकंड पेपर और मेजर के सेकंड पेपर को ही माइनर या ओपन इलेक्टिव भी कहते हैं। यह नई शिक्षा नीति के अनुसार है। आज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी आईएमपी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जिन विद्यार्थियों ने जंतु विज्ञान को मेजर विषय के रूप में चुना है उन विद्यार्थियों के लिए जूलॉजी का सेकंड पेपर माइनर या ओपन इलेक्टिव होगा, अर्थात यह पेपर टोटल 100 मार्क्स का है जो डिसाइड किया गया है हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा। इन 100 मार्क्स में से यदि हम लोग यहाँ पर देखें और समझें तो 70 मार्क्स की यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होगी और इस जूलॉजी के सेकंड पेपर माइनर या ओपन इलेक्टिव में टोटल 5 यूनिट है। इन 5 यूनिट के हम क्वेश्चंस को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और आज हम बात करेंगे 5 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट यानी इकाई पहली। यहाँ पर हम लोग ये लेकर आए हैं कि जितने भी यूनिट है उन यूनिट को जितने पार्ट में डिवाइड किया गया उन पार्ट के अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आए हैं। और साथ ही हम यहाँ पर यह भी देखेंगे आप लोग कि ये जो प्रश्न है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैक टू बैक मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, एक ही प्रश्न को हमने क्या किया है यहाँ पर अलग अलग तरीके से बनाया है। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है पादप एवं जंतु कोशिकाओं में कोई 5 अंतर लिखो, राइट द 5 डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेंस। सेकंड क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं की अवधारणाओं पर एक निबंध लिखिए, राइट एन एसे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 लगभग एक जैसे ही हैं। पादप एवं जंतु कोशिकाओं को चित्र से ही समझाइए, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल विद डायग्राम। एक प्रारूपी जंतु कोशिका के परासरण का स्वच्छ नामक की चित्र बनाइए, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर टिपिकल एनिमल सेल। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट था 1.2, फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है 1.2। पहले 1.1 खत्म और 1.2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ऑस्मोसिस, सोडियम पोटेशियम पंप, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस और को ट्रांसपोर्ट यानी सपरिवहन। दूसरा प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली की आणविक संरचना के विभिन्न मॉडलों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द डिफरेंट मॉडल ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली की संरचना लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के तैरते हुए हिमशेल जैसी है, इस कथन पर विवेचना कीजिए। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लाइक ऑफ फ्लोटिंग आइसबर्ग ऑफ द प्रोटीन इन सी ऑफ लिपिड, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। चौथा प्रश्न है व्हाट इज डिफ्यूजन, एक्सप्लेन इन डिटेल्स, विसरण किसे कहते हैं विस्तार से समझाइए। प्रश्न क्रमांक 5वां है सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन क्या होता है, व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन में अंतर लिखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव और पैसिव या फिर एक्टिव और नॉन एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स। प्रश्न क्रमांक 6 है 1.2 का एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस से आप क्या समझते हो, तो एंडोसाइटोसिस और एक्सोटाइसोसिस की क्रियाविधि को बताइए। तो ये तो 6 प्रश्न थे 1.2 के। अब चलते 1.3। 1.3 का नाम है कोशिका द्रव्य झिल्ली तंत्र, अंतर प्रद्रव्य झिल्ली का गाल्जी काय तथा लाइसोसोम। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गाल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम। इसके प्रश्नों को देखते हैं हम लोग कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला है राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, अंतर्झिल्ली तंत्र यानी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, अगला है माइक्रोसोम, नेक्स्ट है सिस्टीन और नेक्स्ट है सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैलियां। प्रश्न क्रमांक 2 है 1.3 का प्राथमिक एवं द्वितीयक लाइसोसोम में अंतर लिखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। अंतःप्रद्रव्यी जालिका की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। RER तथा SER में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन RER एंड SER,
प्रश्न क्रमांक 5 है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, लाइसोसोम की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। GERL से आप क्या समझते हो? अंतःप्रद्वी जाली का, गॉल्जी का एवं लाइसोसोम के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू अंडरस्टूड बाय द GERL? एक्सप्लेन द इंटररिलेशनशिप बिटवीन द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गॉल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम। नेक्स्ट है 1.4, माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट यूनिट का चौथा पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहा जाता है? Why is the mitochondria called the powerhouse of the cell? प्रश्न क्रमांक 2 है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ब्रीफली डिस्कस द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न क्रमांक 3 है, राइट शॉर्ट नॉट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया किस्ट्री। नेक्स्ट है एफ कण तथा ऑक्सीक्रोम। और थर्ड प्रश्न है, यहाँ पर थर्ड दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया DNA। फोर्थ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्रश्न क्रमांक 4 है, गॉल्जी कोशिश एवं ग्रिप्स चक्र के मध्य की संयोजी कड़ी पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन द लिंक बिटवीन द गॉल्जी कोशिश एंड क्रेब साइकिल। प्रश्न क्रमांक 5 है, ऑक्सीकरण उपापचय एवं माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका की विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ऑक्सीडेशन एंड मेटाबॉलिज्म। ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण कोशिका में कहाँ और किस प्रकार होता है स्पष्ट कीजिए। वेयर आर एंड हाउ द डज कंप्लीट द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन द सेल? एक्सप्लेन ग्लाइकोसिस के विभिन्न अभिक्रियाओं को तथा उसके ऊर्जा संबंधी विस्तार का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल इन द वेरियस रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिस एंड देयर एनर्जी रिलेशनशिप। पायरोलुविक अम्ल व ऑक्सी विघटन किस प्रकार होता है? इस क्रिया में विमुक्त ऊर्जा का विवरण दीजिए। हाउ डू द पायरोविक एसिड एंड ऑक्सीजन डीकम्पोज? गिव द डिटेल ऑफ द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस। नाइन्थ क्वेश्चन है इसका, इलेक्ट्रॉन अभिगमन का ग्लाइकोलिसिस एवं ग्रेप चक्र में क्या महत्व है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेप साइकिल? एक्सप्लेन। अब चलते हम फर्स्ट यूनिट के फिफ्थ पार्ट की तरफ 1.5 पे। इसमें एक प्रश्न दिया हुआ, राइबोसोम की संरचना प्रकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, साथ ही इसका रासायनिक संगठन भी समझाइए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ राइबोसोम एज वेल एज द एक्सप्लेन इट्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन या केमिकल कंपोजिशन। 1.6 फर्स्ट यूनिट का पार्ट है, उसमें केंद्रक की संरचना, केंद्रक के कार्य, केंद्रक कला, केंद्रक छिद्र और क्रोमेटिन पर टिप्पणी लिखिए। स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, राइट अ नोट ऑन द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आर्ट, सेंटर पोर एंड क्रोमेटिन। सेवंथ पार्ट दिया हुआ है 1.7, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, सेंट्रोमियर, टीलोमियर, सेकेंडरी नैरोइंग यानी द्वितीयक संकीर्णन, फोल्डेड फाइबर मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल, लैम्ब्रुश क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, पॉलिटिन क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र और क्रोमोसोमल टाइप यानी गुणसूत्र प्रारूप। प्रश्न क्रमांक 2 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया गुणसूत्र पर संक्षिप्त लेख लिखिए। प्रश्न क्रमांक 3 है, गुणसूत्र की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, न्यूक्लियोसोम क्या है? गुणसूत्र में न्यूक्लियोसोम मॉडल का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्हाट इज द न्यूक्लियोसोम? डिस्क्राइब इन डिटेल द न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ द क्रोमोसोम। पांचवा प्रश्न है इसका, विशिष्ट प्रकार के गुणसूत्र का विस्तृत लेख लिखिए। राइट अ डिटेल नोट ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द क्रोमोसोम। अब हम चलते हैं फर्स्ट यूनिट के एट्थ पार्ट की तरफ। 1.8 है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। इंटरफेज यानी अंतरावस्था। नेक्स्ट है साइनोट प्लोटोनिमल सम्मिश्रण यानी साइटोटोमल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है पैकेटिन उपअवस्था, पैकेटिन सबफेज, कोशिका द्रव विभाजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन। केंद्रक विभाजन एवं कोशिका द्रव विभाजन में अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियस डिवीजन एंड द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइक्लिन डिपेंडिंग काइनेज, साइक्लिन आश्रित काइनेजेंस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोशिका विभाजन से आप क्या समझते हो? सूत्र विभाजन को विस्तार से वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय द सेल डिवीजन? गिव डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉइंट डिवीजन्स। सूत्र विभाजन तथा अर्धसूत्र विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। नेक्स्ट है अर्धसूत्र विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं के नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका महत्व लिखिए। ड्रा लेवल डायग्राम डिफरेंस स्टेज ऑफ द मियोसिस डिस्क्राइब्ड एट्स इज इम्पोर्टेंट। तो ये टोटल हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी उस फर्स्ट यूनिट के एट पार्ट है और एट ऑफ आर डी पार्ट के हमने अलग अलग प्रश्नों को यहाँ पर देखा है।
विद्यार्थियों वैसे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं है, आपको कम से कम इनको एक बार दो बार पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के अनुसार आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा। यूनिट नंबर 2 है इकाई 2। इकाई 2 में पहला पार्ट है 2.1 लिप्स का जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लिप्स। इसमें कितने प्रश्न उसकी तरफ चलते हैं, तो लिप्स का नर जनन तंत्र का चित्रण कीजिए, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लिपस। नेक्स्ट है लिपस का मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ लिपस। प्रश्न क्रमांक 3 है निम्नलिखित पर स्वच्छ डायग्राम बनाइए, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग, खरे का मूत्र जनन तंत्र, यूरोगोनेसिस सिस्टम ऑफ द पस, और खरे का वृषण तकानुप्रस्थ काट, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्टिस ऑफ द रैबिट्स। नेक्स्ट है द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्टिस इन द रैबिट्स, और उसके बाद कट ऑफ ओवर ओवरी ऑफ द रैबिट्स, खरे का अंडाशय का काट। प्रश्न क्रमांक अब 3 से निकल कर हम चलते 2.2 की तरफ, गैमेटोजेनेसिस यानी युग्म जनक। इसके प्रश्नों की संख्या देखते हैं हम लोग टोटल, तो इसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पर 7 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शुक्राणुजनक, स्पर्मोजेनेसिस, पूर्वी पित्तजनक, पित्तक जनन और एक्रोसोम। पहला प्रश्न में इन पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, इनको पढ़ना है। दूसरा प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय गेमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन से आप क्या समझते हो, ब्रीफली डिस्क्राइब द गेमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। शुक्राणु जनन को परिभाषित करते हुए संपूर्ण प्रक्रिया का सचित्रण कीजिए, डिफाइन द स्पर्मोजेनेसिस, डिस्क्राइब द होल प्रोसेस विद अ पिक्चर, स्पर्मोजेनेसिस की सचित्र समझाइए, एक्सप्लेन द प्रोसेस स्पर्मोजेनेसिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, अंडाशय किसे कहते हैं, अंडा जनन की विस्तृत से व्याख्या कीजिए, व्हाट इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेसिस, गिव द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। युग्मक जनन से आप क्या समझते हो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द गैमेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन प्रक्रिया को समझाइए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मोजेनेसिस, शुक्राणु जनन अंडाणु जनन पर अंतर लिखिए। अब चलते हम 2.3 की तरफ, अंडा संरचना एवं प्रकार, एग स्ट्रक्चर एंड टाइप्स। अंडे की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, अंडे के प्रकार, पित्तक, क्लेडोक्लाइक अंडा और निर्धारक अंडा, निर्धारी अंडा। पित्तक के वितरण के आधार पर अंडों का वर्गीकृत कीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द एग ऑन द बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योक। अंडे की संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए, डिटेल डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर ऑफ द एग, अंडे झिल्ली पर एक विस्तृत लेख लिखिए, राइट डिटेल आर्टिकल ऑफ द एग मेम्ब्रेन। अंडे को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, पित्तक की मात्राएं वितरण का आधार पर अंडों के उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें सेकंड यूनिट में टोटल 3 पार्ट दिए हुए, 2.1, 2.2 और 2.3। अब चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। 3 में पहला पार्ट है 3.1 स्टेम सेल, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, प्लूरीपोटेंस स्टेम कोशिका है, वयस्क स्टेम कोशिका है, उसके बाद में प्रेरी प्लूरिटम स्टेम कोशिका है, प्रेनेटल स्टेम कोशिका, स्टेम कोशिकाओं की पहचान, इन पर आपको एक शॉर्ट नोट याद करना है। स्टेम कोशिकाओं से आप क्या समझते हो, स्टेम कोशिकाओं के प्रकार एवं महत्व का वर्णन कीजिए, व्हाट डू यू अंडरस्टूड बाय स्टेम सेल, डिस्क्राइब द टाइप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेम सेल, स्टेम कोशिकाओं के उपयोग पर एक लेख लिखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन द यूज ऑफ द स्टेम सेल। 3.2 की तरफ चलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। 3.2 है क्रायो प्रिजर्वेशन। पहला प्रश्न है क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंस मेथड ऑफ द क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द क्रायो प्रिजर्वेशन, इसके अलावा क्या क्या है उस पर, उसमें आएगा क्रायोरक्षी, कोशिका बैंकर श्रृंखला, कांचन, क्रायो प्रिजर्वेशन के उपयोग, क्रायो प्रिजर्वेशन की सीमाएँ। थर्ड यूनिट का थर्ड पार्ट है 3.3 जीन बैंक, शुक्राणु बैंक तथा अड्डी अंडोसर्ग, जीन बैंक, स्पर्म बैंक और सुपर ओव्यूलेशन। जीन बैंक से आप क्या समझते हो, जीन बैंक पर एक लेख लिखिए, शुक्राणु बैंक पर विस्तृत लेख लिखिए, तथा अड्डी अंडोसर्ग से आप क्या समझते हो, इस पर भी एक शॉर्ट नोट लिखिए। हम चलते हैं 3.4 की तरफ, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी। पहला प्रश्न है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, किस किस पर, सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी पर, पात्र निषेचन यानी फेशियल फर्टिलाइजेशन, ZIFT, ICSI, IVFET और ART। प्रश्न क्रमांक 2 है इसका, सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए, असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी पर आपको ऐसे लिखना है, पात्र निषेचन यानी पोटेंशियल फर्टिलाइजेशन क्या है, और इस पर आपका एक पूरा डिटेल लिखना है।
ICSIS आप क्या समझते हो, इसकी प्रक्रिया और उपयोग का वर्णन कीजिए। थर्ड यूनिट का फिफ्थ पार्ट है 3.5 स्तनियों में अपार न्यास एवं अपार बैंकिंग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अपार न्यास, जरायु पित्ती की अपार, जरायु अपर पोषी की अपार, हीमोकोरलिया अपार और अपरा बैंकिंग। अपरा एवं अपरा न्यास से आप क्या समझते हो, स्तनियों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अपरा का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार्ट्स ऑफ अपेरेंसेस डिस्क्रिप्शन द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन द मैमल्स। अपरा की परिभाषा लिखिए तथा भौतिकी के आधार पर इसका वर्णन कीजिए। स्तनियों में अपरा की संरचना निर्माण एवं कार्यों का सचित्र वर्णन कीजिए। अपरा बैंकिंग एवं उसके लाभों का विस्तृत से लेख लिखिए। अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 यानी इकाई 4 4.1 फर्टिलाइजेशन। निषेचन को परिभाषित करते हुए निषेचन के प्रकारों को उदाहरण से समझाइए। डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन, राइट द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन विद एग्जांपल। फर्टिलाइजेशन और एंटी फर्टिलाइजेशन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस किस पर? युग्मिक हार्मोन, शुक्राणुभेदन और बहुशुक्राणुता, उभय मिश्रण और कैपेसिटेशन। और चौथा प्रश्न है, वल्कनी अभिक्रिया को समझाइए। पांचवा है, निषेचन के महत्व को समझाइए। छठा, निषेचन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए तथा इसका महत्व समझाइए। पांचवा छठा प्रश्न एक जैसा ही है। सातवां भी उसके जैसा, निषेचन के दौरान अंडे में होने वाली प्रतिक्रिया पर एक विस्तृत लेख लिखिए। शुक्राणुभेदन की प्रक्रिया को सचित्र वर्णन कीजिए। चौथे यूनिट का सेकंड पार्ट है 4.2 मेंढक का परिवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग। इसमें कुछ आपको शॉर्ट नोट याद करना है। मेंढक का फैट फेम, मेंढक की पित्तक प्लग अवस्था, परिवृद्धि, मेंढक का गैस्ट्रुला भवन, टेडोपोल लार्वा के कायांतरण, मेंढक के गैस्ट्रुला निर्माण तक के परिवर्धन का वर्णन। तीसरा प्रश्न है, मेंढक में तीन प्राथमिक जनन स्तरों के बनने तक के परिवर्धन का सचित्र वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न, नामांकित चित्रों की सहायता से मेंढक के गैस्ट्रुला भवन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मेंढक में टेडपोल लार्वा की संरचना का वर्णन कीजिए और कायांतरण किसे कहते हैं, टेडपोल लार्वा के कायांतर का वर्णन कीजिए। तो यदि हम लोग देखें तो प्रश्न क्रमांक 4 से लगाकर 6 तक प्रश्न एक जैसे ही है। 4.3 यूनिट 4 का अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट है अनिषेचक जनन। अनिषेचक जनन की परिभाषा दीजिए तथा इसके विभिन्न प्रकार बताइए। मधुमक्खियों में और हिनकोटोनिक की व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अनिषेचक जनन, अरियोनोटकी, थेलीटोकी, स्वनिषेचन, एफिडस में थेलीटोकी, कृत्रिम अनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उपयुक्त उदाहरण के सहित अरियोनोटोकी की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त उदाहरण सहित थेलीटोकी की व्याख्या कीजिए। देखो ये 4, 5, 6 जो प्रश्न हम देख रहे हैं ये ऊपर हमने प्रश्न क्रमांक 3 में सभी को देख लिया है। वैसे तुम आगे बात करें, एक और प्रश्न दिया हुआ शॉर्ट नोट का डिफरेंस बताना आपको। प्राकृतिक एवं कृत्रिम अनिषेचन में, पूर्ण चक्री अनिषेचक जनन में और अगुणित और द्विगुणित अनिषेचक जनन में। तो ये था हमारा जो फोर्थ यूनिट है उसका 4.3 पार्ट था। तो इसमें तीन पार्ट है, 4.1, 4.2 और 4.3। अब चलते यूनिट 5, इसके दो पार्ट है 5.1 और 5.2। 5.1 में चूजे के प्रारंभिक परिवर्धन, इसमें बताना आपको राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग एरिया पेलुसिडा और एरिया ओपेका। चूजे का फैट फेम, आद्य रेखा, कोरका भवन, गेस्टुला भवन, चूजे में फैट फेम, मुर्गी के अंडे में कोरक निर्माण तक के परिवर्धन की अवस्थाएं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग नोटोजेनेसिस, न्यूरोजेनेसिस, कायखंड और प्रगुहा की उत्पत्ति। प्रश्न क्रमांक 3 है, मुर्गी के अंडे का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। आद्य रेखा के निर्माण तक चूजे के परिवर्धन का सचित्र वर्णन कीजिए। प्राथमिक जननिका स्तरों के निर्माण तथा चूजे के परिवर्धन का वर्णन कीजिए। यदि आप देखें तो प्रश्न क्रमांक 3, 4, 5 सब एक जैसे ही हैं। छठा है, चूजे में गैस्ट्रुला भवन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। सातवा, उपयुक्त चित्रों की सहायता से चूजे के मध्यम चक्र तथा प्रगुहा का निर्माण कीजिए। यूनिट 5.2 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक्स मेम्ब्रेन ऑफ चिक्स, चूजे के बाह्य भ्रूण झिल्लियाँ, भ्रूणीय झिल्लियों पर एक निबंध लिखिए। एम्ब्रियोजेनेसिस मेम्ब्रेन पर आपको एक ऐसे लिखना है। डिस्कस द फंक्शन ऑफ एलोट्रोपिक्स, अपरा पोषिका के कार्यों की विवेचना कीजिए। पीतक कोश के निर्माण एवं कार्यों पर टिप्पणी लिखिए। नाभिक रज्जु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
भ्रूण बाह्य झिल्लियों से आप क्या समझते हो, चूजे के निर्माण में इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। भ्रूण झिल्लियाँ क्या होती है, विभिन्न भ्रूण झिल्लियों के कार्यों का वर्णन कीजिए। विभिन्न भ्रूण झिल्लियों की व्यवस्था एवं पारस्परिक संबंधों को दर्शाते हुए चूजे के भ्रूण का केवल स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। भ्रूण बाह्य झिल्लियों के क्रमिक विकास का केवल नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। तो साथियों, ये हमारे जो जूलॉजी सेकंड पेपर है, यानी उसको यदि हम लोग कहें माइनर या ओपन इलेक्टिव, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको आपको याद करना है। ये टोटल आपके 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन पेपर है ये एग्ज़ाम में आएंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि ये जो हम आप लोगों के लिए नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपको कैसे लगते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। नए वीडियो के साथ हम आपसे वापस जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू।